हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फॉसिल की कोई भी क्लोन वॉच में व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस कैसे गेट करोगे, व्हाट्सएप के मैसेजेस कैसे गेट करोगे। तो गाइस, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा कि आपको व्हाट्सएप कैसे गेट करना है अपनी वॉच में। तो फॉसिल की कोई भी वॉच हो, फॉसिल 5, 6, 7 या 8, फॉसिल जन 8 या कोई भी वॉच हो, आप उसमें व्हाट्सएप गेट कर सकते हो। प्रोसीजर एक ही है, बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में जाना है और ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना है, क्योंकि वो ऐप से कनेक्ट करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है। तो मैंने ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन कर दिया है। तो अब यहाँ जो इसका ऑफिशियल ऐप है WWFit 2.0, मैं उसमें जाऊँगा। तो आप देखोगे तो ये कनेक्टेड बता रहा है, तो आपको एक बार फाइंड कर लेना है कि इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वॉच कनेक्ट हुई है कि नहीं। तो अब आप देखोगे तो मैं फाइंड करूंगा तो वॉच का डिस्प्ले ऑन होगा और वॉच वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वॉच कनेक्ट हो चुकी है। तो अगर आपको व्हाट्सएप के मैसेजेस गेट करने हैं तो आपको यहाँ सबसे पहले एक सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी जिसका नाम है ऐप पुश। तो ऐप पुश सेटिंग में जाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको व्हाट्सएप को ऑन करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप को ऑन करने के लिए जो WWFit ऐप है, आपको उसको पहले नोटिफिकेशन की एक्सेस देनी पड़ेगी। तो यह नोटिफिकेशन एक्सेस है, तो अगर आपके फ़ोन में खुद नहीं खुलता है तो आपको सेटिंग्स में जाके इसको ओपन करना पड़ता है, जो कि नोटिफिकेशन की एक्सेस होती है। तो यहाँ WWFit 2.0 ऐप को मैं नोटिफिकेशन की एक्सेस दे रहा हूँ। तो यहाँ नोटिफिकेशन एक्सेस ऑन हो चुकी है, तो अब WWFit ऐप आपकी नोटिफिकेशंस को रीड कर सकता है। तो अब मैं ऐप के बाहर आ जाता हूँ। अब मैं ये वाले फ़ोन से व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगा तो आप देखना कि इसमें नोटिफिकेशन आती है या नहीं। तो अब मैंने ये वाले फ़ोन में व्हाट्सएप खोल लिया है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ मैं अब एक मैसेज भेजूँगा, हाय। तो वॉच में मैसेज आ चुका है व्हाट्सएप का, हाय, और व्हाट्सएप के लोगों के साथ आया है। तो यहाँ आप नोटिफिकेशंस में जाके रीड कर सकते हो व्हाट्सएप का मैसेज, जो कि बहुत ही अमेजिंग है कि आप मैसेजेस रीड कर सकते हो व्हाट्सएप के अपनी वॉच में। मेरे को पर्सनली फीचर बहुत पसंद है इस वॉच का। और अगर मैं यहाँ आप कोई इमोजी भेजूंगा, जैसे कि मैंने ये वाली इमोजी भेजी, तो व्हाट्सएप इमोजीज को रीड नहीं करता है, वॉइस मैसेजेस को रीड नहीं करेगी व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के थ्रू फोन में तो आ जाएगा, पर जब आप कोई इमोजी भेजते हो तो वॉच रीड नहीं करती है। तो इमोजीज वॉच रीड नहीं करेगी अगर आप कोई वॉइस मैसेज भेजोगे, जैसे कि मैंने कोई एक वॉइस मैसेज टाइप किया, अब मैं इसमें भेजूंगा। तो यहाँ लिख के आएगा कि वॉइस मेल है वो कितने सेकंड्स का है, तो 0.2 सेकंड्स का मेल है ये, पर ये आप रीड नहीं कर सकते हो, प्ले नहीं कर सकते हो। मतलब आप बस देख सकते हो अपनी वॉच में कि कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, पर आप रीड अपने फ़ोन से ही कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी मैसेज को खोल के देखना है तो वो आपके फ़ोन से ही होगा। और दूसरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है, अगर इसमें नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो वॉच रीड नहीं कर पाएगी। तो नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है गाइस। तो गाइस, आप बड़ा मैसेज भी भेज सकते हो और वॉच वो भी रीड करती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।